आन बान शान कही जाने वाली चीज क्या है? पोहा। और आज मैं मौजूद हूँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे फूड फेस्टिवल में, और यहाँ पे नागपुर का पोहा काफ़ी फेमस हो चुका है और लोग इसका जायका काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुनील जी, और हम जानेंगे कि आखिर क्या खासियत है इस पोहे में। तो सुनील जी, स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। और क्या खासियत है आपके इस पोहे में कि लोग सीधे चले आ रहे हैं? देखिए, भारतवर्ष के अंदर में पोहा ये सभी तरफ बनाया जाता है, कोई मेहमान आए। लेकिन भारत के अंदर में एक और खूबी है, जो भारत के हर जिला स्तर के ऊपर अगर 200 किलोमीटर के बाद में स्वाद और व्यंजन वही रहता है, लेकिन उसका स्वाद बदल जाता है। जो वही यानी नागपुर के अंदर में मैं 20 साल से ये धंधा कर रहा हूँ चना पोहा का, और ये चना पोहा का सिर्फ नागपुर में सिर्फ सुबह मॉर्निंग फास्ट करके उपयोग होता था पहले, लेकिन ये 5 साल के अंदर में जो तरी बनाने का तरीका है चना पोहा की तरी, तो इसके वजह से इसका नाम चना पोहा मिसल हुआ करता था हमने रखा हुआ। लेकिन पोहा अगर देखेंगे तो पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर में मीठा पोहा खिलाते हैं, इसमें शक्कर डाली जाती है। तो अंकल जी ने खास जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के एक कॉर्नर में तीखा पोहा और दूसरे कॉर्नर में मीठा पोहा खाया जाता है। चलिए अंकल जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि जैसे आपने महाराष्ट्र में बताया कि दो प्रकार के पोहे पाए जाते हैं, ऐसे ही इंदौरी पोहा काफी फेमस है पूरे विश्व में। तो क्या आप नागपुर के पोहे और इंदौरी पोहे को कंपेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि कौन सा पोहा आपके हिसाब से बेस्ट है? मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा तो इंदौर वालों पे अन्याय हो जाएगा और पश्चिम महाराष्ट्र, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारे भारतवर्ष की एक खूबी है कि हर 200 किलोमीटर के बाद में जायका और स्वाद बदलते रहता है। वैसा ही इंदौरी पोहा भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इंदौरी पोहा की खूबी है कि वहाँ पर इंदौरी पोहे के अंदर में जिलेबी साथ में दी जाती है, यानी वहाँ पे भी थोड़ा यानी पोहे के अंदर में मीठा प्रकार है, मीठा प्रकार है। और पश्चिम महाराष्ट्र में भी हमारे यहाँ शक्कर डाली जाती है, थोड़ा मीठा। लेकिन विदर्भ के जो 9-10 जिले हैं वहाँ की जो जनता है वो तीखा खाती है, और वहाँ पे साउजी मसाले बहुत फेमस है, साउजी मसाले, और हर तरकारी के अंदर में उसको मिलाया जाता है। तो अंकल ने कहा कि साउजी मसाले बहुत फेमस है। अच्छा, मैं एक और सवाल अंकल जी से पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि विदर्भ में तीखा पोहा खाना लोगों को पसंद है, तो क्या लोग भी कहीं तीखे तो नहीं है थोड़ा बहुत? हो सकता है तीखा तो ना था, मैंने था उसके ऊपर मेरे पास में ऐसी वैज्ञानिक जानकारी है, जो लोग तीखा ज्यादा खाते हैं वो तीखा बोलते हैं। बिल्कुल अंकल ने कहा जो लोग तीखा खाते हैं वो थोड़ा तीखा बोलते भी हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता, हमारे अभी तक अंकल जी से जितनी बातें करी अंकल ने पढ़ी, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से मुझे अपनी चीजें बताई हैं, मीठी बोली है इनकी, और सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने हर जगह के जो पोहा है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर आपको हमारे ये पोहा का शो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।